गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, देखते हैं इक्वेशन क्या है हमारी। सेकंड पार्ट इसमें एक इक्वेशन है, इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। ये हमें एक इक्वेशन दी है और इसका मुझे 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो हम 1 by 1 इसकी वैल्यू लेंगे। ओके, तो अगर हम इसे लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल 9 माइनस पाई एक्स लिख सकते हैं। ओके, अब हम एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो वाई की हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ एक्स इक्वल 0 तो वाई इक्वल क्या होगा, 9 माइनस पाई इंटू 0। और आपको पता है एनी नंबर मल्टीप्लाइड टू 0 बिकम्स 0, ये 9 आ गया। ओके, तो इसी तरह से अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो वाई इक्वल 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस पाई। ओके, और इसको हम फर्दर अभी सॉल्व नहीं करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई इक्वल 9 माइनस पाई इंटू 2 यानी कि 9 माइनस 2 पाई। ओके, और अगर एक्स की वैल्यू हम 3 ले लें तो वाई इक्वल क्या है, 9 माइनस पाई इंटू 3 यानी कि 9 माइनस 3 पाई। ओके, तो ये 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अब इसकी हम टेबल बनाएंगे। ये x है और ये y है। अगर आपने x 0 लिया तो y 9 है, अगर x 1 है तो y 9 माइनस पाई है, और अगर 2 है तो 9 माइनस 2 पाई, और 3 है तो 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से हमने ये 4 सॉल्यूशन इसके फाइंड कर लिए। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, x इक्वल 4 पाई। ओके, क्या है, x इक्वल 4 पाई। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एक बार भी देख लेते हैं। अब थर्ड पार्ट के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है x इक्वल 4 पाई। अब आप देखो जो हमारी कंडीशंस होती थी वहां पे ये फुलफिल हो रहा है, यानी कि एक टर्म जो है दूसरे टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस है। तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस हम y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे। मान लो मैंने y इक्वल 0 लिया तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 0 और ये 0 हो गया। इफ y इक्वल 1 है तो x इक्वल 4 इंटू 1 4 है, यानी कि ये क्या है, 4 टाइम्स होगा। ओके, इफ y इक्वल 2 है तो x इक्वल 4 इंटू 2 8 हो गया, और इफ y इक्वल 3 तो x की वैल्यू 4 इंटू 3 12। अब इसकी जो टेबल बनेगी वो क्या है, x है और y है, 0 1 2 3 वैल्यू क्या है, 0 4 8 और 12। देखो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन में हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं बोला गया है, जब हम एक्सरसाइज 4.3 में जाएंगे तो उसमें हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ हमें
वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले तो एक इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर है। इक्वेशन क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री में, क्वेश्चन नंबर थ्री में जो इक्वेशन वो क्या है एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर है। अब इसमें हमें कुछ कुछ वैल्यू दी गई है ठीक है, और वो बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ओके तो फर्स्ट वैल्यू क्या है जीरो कॉमा टू, यानी कि देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो किसकी होती है एक्स की होती है, और सेकंड वैल्यू जो होती है वो वाई की होती है। तीन दोनों को हम चेक करने के लिए करेंगे x माइनस टू वाई इक्वल फोर, तो x की वैल्यू जीरो और टू और y की वैल्यू टू, तो जीरो माइनस फोर इक्वल फोर, तो ये तो माइनस फोर आ गया ना, तो ये तो फोर की इक्वल नहीं है, तो अब मैं क्या लिखूंगी जीरो टू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस टू वाई इक्वल फोर। ओके अब इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में दिया है हमें टू कॉमा जीरो, यानी कि ये x की वैल्यू टू है और y की वैल्यू जीरो। ओके अब हम चेक कर रहे हैं इसको, तो x माइनस टू वाई इक्वल फोर, तब टू माइनस टू इंटू जीरो इक्वल फोर, तब टू माइनस जीरो इक्वल फोर, तब टू जो है वो फोर की इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ओके टू कॉमा जीरो इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर। ओके अब इसका थर्ड पार्ट यहां पर ही कर देते हैं। थर्ड पार्ट में जो दी हुई है वैल्यू वो क्या है फोर कॉमा जीरो। अब देखो ये एक्स है और ये वाई, इक्वेशन लिख लेते हैं चेक करने के लिए, x माइनस टू वाई इक्वल फोर। अब वैल्यू डाल दो फोर माइनस टू इंटू जीरो, तो फोर माइनस जीरो, अरे ये तो इक्वल हो गया फोर इक्वल फोर है ना, तो इसका मतलब है कि फोर जीरो इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस टू वाई इक्वल फोर। ओके अब इसमें एक पार्ट नहीं अभी भी दो पार्ट है, फोर्थ और फिफ्थ, तो करते हैं नेक्स्ट पेज में करते, पहले आप इसे नोट कर लो, अभी नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, या वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट में थोड़ा रूट का टर्म है, रूट टू और फोर रूट टू, यानी कि ये एक्स है और ये वाई है, चेक करना है हमें, तो एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर, रूट टू माइनस टू इंटू फोर रूट टू इक्वल फोर। अब देखो फोर टू या क्या होता है एट रूट टू इक्वल फोर। अब देखो जब रूट टू के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको हम वन लेट कर लेते हैं, तो एट में से वन जाएगा तो क्या बचेगा सेवन, तो माइनस सेवन रूट टू आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो, और ये फोर के इक्वल नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी रूट टू और फोर रूट टू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर।
अब इसका लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को क्या दिया हुआ आपको, 1.1, ये एक्स है और ये वाई है। तो चेक कर दें इसको भी, एक्स माइनस टू वाई इक्वल फोर, तो 1 - 2 × 1 = 4, तो 1 - 2 = 4, तो -1 ≠ 4, तो क्या लिखूंगी मैं, 1 is not the solution of x - 2y = 4। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, वन मार्क क्वेश्चन होता है लेकिन आते हैं। ओके, अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको इक्वेशन दी हुई 2x + 3y, एक अननोन वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, और इसमें x की वैल्यू 2 है, x 2 है और y 1 है, हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो बस पुट कर देते हैं 2 × 2, सबसे पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन ही लिख लेते हैं, 2x + 3y = क्या है, k है, k, अब बस हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 2 + 3 × 1 = k, जब 2 × 2 = 4 और +3 = k, तो k की वैल्यू क्या होगी, 7, तो ये आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कभी k देगा, कभी p देगा, कभी m देगा, कुछ भी एक अननोन वैल्यू होगी और हमें वो वैल्यू फाइंड करना होता है। तो आज हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया है, आज हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में हम ग्राफ करेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।